फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर कट ऑफ, जैसे कि सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, होम साइंस के ऊपर। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पिछले वीडियो में जाके मेरे चैनल में चेक करिए, मेरा पिछला वीडियो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक संभावना है, एक अनुमान लगाया जाता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ होम साइंस की जो कि जनरल वालों की होम साइंस में 90 से 95 प्लस जा सकती है, ओबीसी वालों की 92 प्लस जा सकती है, एससी वालों की 75 प्लस जा सकती है और एससी वालों की 60 प्लस जा सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बता दूं आपको बायोलॉजी की कितनी संभावना है कट ऑफ की। जनरल वालों की बता देती हूँ 80 से 85 के बीच, ओबीसी वालों की है 80 प्लस के बीच, एससी का है 75 के बीच या 75 प्लस, और जो एससी है वो होगा 62 से 65 के बीच। फिर मैं आपको बता देती हूँ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में जो जनरल की जाएगी वो 80 से 85 प्लस जा सकती है, ओबीसी 80 से 82 प्लस जा सकती है, एससी की 70 से 72 प्लस जा सकती है और एसटी की 65 प्लस जा सकती है। फिर आपको बता देती हूँ सोशल साइंस की, जनरल में सोशल साइंस की 100 से लेकर 105 तक जा सकती है और ओबीसी की 100 से लेकर 103 तक जा सकती है, एससी की 95 से 98 के बीच जा सकती है और एसटी की 80 प्लस के बीच जा सकती है। यानी कि सोशल साइंस में थोड़ी हाईएस्ट जाने वाली है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक ना आपने किया हो, ताकि आपको हर एक अपडेट छोटी बड़ी मिलती रहे, और ये जो है बाकी सभी स्टूडेंट्स से शेयर भी करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।